व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से टेना चाइना में एफसीसी का नाम भी शायद आपने सुना होगा, उसी तरह से सिंगापुर में आईएमडी है। इसका मतलब है इन्फो कम्युनिकेशन मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो दोस्तों, ये सिंगापुर गवर्नमेंट की एक एजेंसी है और किसी भी स्मार्टफोन कंपनी को अगर अपने फ़ोन को सिंगापुर में लॉन्च करना है तो ऐसे में उन्हें जाना पड़ता है इन अथॉरिटी के पास, और इनके सर्टिफिकेशन के बाद ही वो अपने फ़ोन को सिंगापुर में लॉन्च कर सकते हैं। तो इन्हीं के वेबसाइट से Xioami का एक आने वाला फोन सामने निकल के आया है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये हो सकता है Xioami का अगला फोन Mi A2 Lite, और ये फोन कुछ ऐसा दिखने वाला है। दोस्तों, आपने इस पिक्चर को इससे पहले भी देखा होगा टेना सर्टिफिकेशन के वेबसाइट के ऊपर, और पहले से बताया जा रहा था कि ये Xioami का आने वाला फोन हो सकता है Redmi 6 या फिर Redmi 6 Pro, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये ना ही Redmi 6 है ना ही Redmi 6 Pro है, बल्कि ये है Mi A2 Lite। और अगर आप इसके डिजाइन को ठीक से देखोगे तो यहां पे पीछे से बिल्कुल Redmi Note 5 Pro के जैसा ही दिखता है, और सामने आपको यहाँ पे एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, बस इतना यहाँ पे डिफरेंस है। तो काफी गंदा और घटिया यहाँ पे इसका नॉच लग रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि Xioami ने इस तरह से इस फोन को क्यों डिजाइन करने की सोची है। दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो साइज है वो भी काफी अजीब है। तो यहाँ पे आपको 5.84 इंच का डिस्प्ले मिलता है, हालांकि फुल HD प्लस इसकी रेजोल्यूशन है, 2.5D कर्व ग्लास भी यहाँ पे दिया गया है, और फिलहाल डिस्प्ले के ऊपर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन है नहीं है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए 2GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा, तो ये Xioami का फेवरेट स्नैपड्रैगन 625 भी हो सकता है, या फिर ये मीडियाटेक का हीलियो P60 भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें बैटरी दी जाएगी 3900 mAh की, और ये माइक्रो USB 2.0 के साथ आने वाला है। आउट ऑफ बॉक्स यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.1 देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर MIUI का लेटेस्ट वर्जन दिया जाएगा। दोस्तों, इसे लॉन्च किया जा सकता है 3 वेरिएंट में, जहाँ पे आपको 2GB 16GB 3GB 32GB और 4GB और 64GB का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल इसका लॉन्च डेट और प्राइस कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है दोस्तों, अगर Mi A2 Lite ऐसा दिखने वाला है तो डेफिनेटली Xioami के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला है। जब भी Xioami का कोई भी फोन लीक होता है, यहाँ पे सामने निकल के आता है, तो लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उस फोन को लेके, लेकिन इसे देख के मैं तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन अगर आप एक्साइटेड है और आपको ये फोन कैसा लगा है, ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ये छोटा सा अपडेट था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए था। तो अगर ये वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।